23 अगस्त वर्ष 1875 में राजकुमार शुक्ल का जन्म बिहार के चंपारण में हुआ। वे भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। इनके ही प्रयासों से गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण के किसानों को जबरदस्ती नील की खेती करने से हमेशा के लिए मुक्ति मिली थी। इस घटना की वजह से ही गांधी जी को चंपारण लाने का श्रेय राजकुमार शुक्ल को ही जाता है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के अपने आजमाए हुए अस्त्र का भारत में पहला प्रयोग चंपारण की धरती पर ही किया। चंपारण का ऐतिहासिक किसान आंदोलन वर्ष 1917 में हुआ था। राजकुमार शुक्ल पर भारत सरकार द्वारा दो स्मारक डाक टिकट भी प्रकाशित किए गए। 23 अगस्त वर्ष 1994 में आरती साहा का निधन हुआ। साहा एक प्रसिद्ध तैराक थी। सितंबर 1959 में आरती साहा इंग्लिश चैनल पार करने वाली भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की पहली महिला बनी। आरती को हिंदुस्तान की जलपरी के नाम से भी जाना जाता है। आरती साहा ने महज 19 साल की उम्र में 16 घंटे 20 मिनट तैरकर 42 मील की दूरी तय कर पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था। भारत सरकार ने वर्ष 1960 में आरती साहा को भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया।